ट्रेंड्स इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड सल्फेट एंड कार्बोनेट्स, ये टॉपिक पढ़ने हमने। ओके बच्चे, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें कि हमारा ओवरऑल टॉपिक कौन सा चल रहा है। एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स चल रहे हैं। उस एस और पी ब्लॉक में आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो एलिमेंट्स हैं, राइट। और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसकी फर्दर हमने ग्रुप टू को डिस्कस करना शुरू किया हुआ है। जो पिछला लेक्चर था हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने ग्रुप टू के कुछ रिएक्शंस थे वो देखे थे, और फिर हमने ये ट्रेंड्स पढ़े थे कि ग्रुप टू के अंदर एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती वो कैसे वेरिएट होती हैं, लाइक एटॉमिक रेडियस, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को हमने देखा, ठीक है। और अब जो है वो आपके पास इस, फिर हमने ये भी देखा था कि वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है, वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फिर हमने बेरियम जो है, ब्रिलियम सॉरी, उसका हमने थोड़ा सा एनामलस बिहेवियर भी डिस्कस किया था कि वो क्या करता है आपके पास। फिर उसकी एम्फोटेरिक नेचर को भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो। आज हमारे पास है बेसिकली सॉल्युबिलिटी अबाउट द ग्रुप टू एलिमेंट्स हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द ग्रुप टू एलिमेंट के किन चीज़ की सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोक्साइड की है एट फर्स्ट, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी। सल्फेट्स कैसे होते हैं, यानी कि अगर उनके कंपाउंड सल्फेट के साथ बनाए जाएं। और थर्ड वन पे है उसके पास, अगर हम कार्बोनेट्स बना लें तो फिर कैसे वो सॉल्युबल होंगे। इन तीनों को हम वन ऑन वन डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड जो है वो ग्रुप टू मेटल हाइड्रोक्साइड उनके कहलाते हैं, बिकम मोर सॉल्युबल एज वी गो डाउन द ग्रुप बिकॉज द लैटिस एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। इसको क्या मतलब है, ये बच्चे बहुत ही आसान सी बात इसने लिखी है, इसको हम देख लेते हैं। और एक और चीज़ जो उसने लिख दी है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर मेटल आर स्लाइटली सॉल्युबल। यहाँ पे आ जाते हैं हम बच्चे। सबसे पहले तो आपको ग्रुप टू के ना एलिमेंट्स का पता होना ज़रूरी है। ग्रुप टू में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आपके पास है, सबसे पहले ब्रिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, और फिर रेडियम है। इसको हम रेडियो एक्टिव में ले लेते हैं, तो इसलिए ट्रेंड में हम आम तौर पर इसको कम डिस्कस करते हैं, राइट। और जो ब्रिलियम है ये और मैग्नीशियम, ये आम तौर पर स्मॉलर साइज एलिमेंट्स काउंट होते हैं। इसके बाद जो नीचे वाले हैं ये हर स्टेप पे वैसे तो साइज़ बढ़ ही जाता है, तो जब हम ब्रिलियम का हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, बी ई ओ एच का ट्वाइस, मैग्नीशियम का होगा एम जी ओ एच का ट्वाइस, और ये सेम पैटर्न आपके पास चलता जाएगा। तो बुक के अंदर उसने सबसे पहले तो आपके हाइड्रोक्साइड्स की बात की है। जब आप इस चीज़ को डिसॉल्व करते हो तो इसको ऑफिशियली ब्रिलियम का प्लस टू आयन बनाना चाहिए, प्लस ओ एच के माइनस वन के टू आयन्स बनने चाहिए ऐसे, और इसको सॉल्युबल हो जाना चाहिए जस्ट लाइक द सॉल्ट्स। वो कहता है कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है, पहले दो की सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं ट्रेंड नीचे की तरफ तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, किसकी, हाइड्रोक्साइड की। बात समझ आ गई है? Yes, sir. तो यहाँ पे उसने बस इतनी सी बात आपको बताई हुई है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप आते हैं तो जिसमें इसने ये लिखा हुआ भी है कि ब्रिलियम का हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी इतनी मिनिमम सॉल्युबिलिटी है कि हम तकरीबन इसको इनसॉल्युबल कंसीडर करते हैं, या फिर अगर हो भी जाते हैं तो लेक्चर में रिकॉर्ड करें। जी बच्चे, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। अब हम, पहली तो बात है उसने जनरल ट्रेंड बता दिया, फिर उसने वन ऑन वन जो स्पेशल आपके पास हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक लेके भी डिस्कस करेगा। जैसे कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो है ये आपको पता है कि इनसॉल्युबल होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी उसने बताया, और ये स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है। यानी जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात हमारी डिस्कस हुई थी कि जितने भी आपके पास मेटल के ऑक्साइड होते हैं, एम जी का ओ ऑक्सीजन के साथ, ये बेसिक है,
ऑक्साइड ऑफ द मेटल बेसिक होते हैं, राइट? तो बिल्कुल इसी तरह इनके हाइड्रोक्साइड भी स्लाइटली बेसिक करेक्टर रखते होते हैं। अब ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिक इन नेचर होता है, तो स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है ना, क्योंकि बेसिक चीज़ें अल्कलाइन इन नेचर है। तो इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या वाइट पाउडर सा होता है और ये यूज़ हो रहा होता है किसके लिए, फॉर द यानी कि रिमूवल द स्टोमिक एसिडिटी के लिए, ये आपके पास लिखा हुआ है, क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है उसको आप लाइम वाटर कहते हैं, और ये क्या करता है आपके पास, यानी कि बेसिक इन नेचर होता है ये भी, और इसने इधर लिखा नहीं है, अदरवाइज ये ज़मीन के अंदर अगर कोई एसिडिक ज़मीन है जहाँ पे आपके पास एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो उस ज़मीन की एसिडिटी को कम करने के लिए यानी कि प्लांटेशन के लिए जो है ना हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं या लाइम वाटर का यूज़ करते होते हैं, बात समझ आइए, ताकि आपके पास वहाँ या उस जगह के ऊपर जो है जो एसिडिटी है वो कम हो और वो न्यूट्रलिटी की फॉर्म में जाए और उसके बाद फसल जो है वो अच्छी हो सके। ये इसने बिल्कुल इस चीज़ की डिटेल्स नहीं लिखी हैं, जस्ट जो कुछ लिखा है मैं उसको रीड कर देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज यूज एज द लाइम वाटर। 1 लीटर ऑफ द प्योर वाटर जो है विल डिजॉल्व अबाउट 1 ग्राम ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट द रूम टेम्परेचर। देखो अब 1 लीटर वॉल्यूम ले लेते हैं ना, यानी कि अगर 1000 ml ऑफ द सस्पेंशन वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं वाटर का, प्योर वाटर का, तो उसके अंदर अगर आप इसको डिजोल्व करना शुरू करें तो इसका सिर्फ 1 ग्राम डिजोल्व होगा। इसी तरह बेरियम का हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, ये बिल्कुल आगे का हम चलते हैं तो वहाँ पे आता है, इज सॉल्युबल इनफ टू एबल टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अमाउंट 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको यहाँ समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि अगर आपके पास बेरियम जो बिल्कुल लास्ट मेंबर है, अगर उसका हाइड्रोक्साइड ले लें, बेरियम का OH का ट्वाइस बन जाएगा, राइट? जब बेरियम का हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस आप लेते हैं तो ये बनता है Ba+2 के अंदर प्लस OH-1 के 2 वो बन जाते हैं। अगर आप इसका 1 मोल ले लेते हैं, ठीक है 1 मोल, तो ये 1 मोल आप अगर 1000 ml वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, तो इस सॉल्यूशन यानी 1 मोल इसका लेके इसके अंदर डिजॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा तकरीबन, यानी कि इसकी जो मोलैरिटी होगी 1 mol/dm³ बन जाएगा, बात समझ आई? लेकिन अगर आप ये इतना सारा डिजॉल्व नहीं करता, यानी मोलर को डिवाइड कर दे, 1 मोल की डिवाइडेड बाय 10 कर दें अगर पार्ट्स, वो बन जाएगा 0.1 मोल्स। तो 0.1 मोल जो है ना, इसको अगर आप 1000 dm³ के अंदर करते हैं तो वो 0.1 मोलैरिटी का पर dm³ सॉल्यूशन बनेगा, बात समझ आ गई है? और ये डिजॉल्व yes. हो जाते इतना, और ये अच्छी खासी अमाउंट होती है, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो बच्चे इसके तरह हमारे पास हाइड्रोक्साइड का एक ट्रेंड थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, जिसमें हमने पहले पढ़ी कि डाउन द ग्रुप जनरल ट्रेंड क्या है, नीचे जाते जाते हैं तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। फिर हमने कहा कि जो पहले के टॉप के 2 मेंबर्स होते हैं वो बिल्कुल लेस सॉल्युबल होते हैं, तकरीबन इनसॉल्युबल भी आप कह सकते हो। फिर हमने कहा जो उनकी सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम होती है। फिर हमने कहा कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जो है ये इनसॉल्युबल होता है, लेकिन फिर भी मैग्नीशियम मिल्क जो है ना, इसका हाइड्रोक्साइड मिल्क और मैग्नीशिया के तौर पर या एसिडिटी ऑफ द स्टमक को रिमूव करने के लिए हम सस्पेंशन के तौर पर यूज़ करते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, मतलब सस्पेंशन इन द फॉर्म ऑफ यानी कि ग्रेनुलर फॉर्म में सॉल्युबल होंगे, ऐसा नहीं है कि प्योर जैसे सॉल्यूशन बन जाता है, इसलिए वो लिख रहा है सस्पेंशन होगा इसका, ठीक है? फिर इसके बाद क्या कहता है जी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो लाइम वाटर की फॉर्म में होता है, उसका जस्ट 1 gram/dm³ में हल होता है, और फिर अगला का देखें तो उसका 0.1 मोल होता है पर डेसीमीटर क्यूब या लीटर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट्स की बात करता है, जो दूसरा उसने बात की थी, क्योंकि हमारे मेजर जो टारगेट्स हैं वो 3 हैं, हाइड्रोक्साइड क्लियर हो गया, सल्फेट्स पे जाना है हमने, और फिर उसके बाद हमने इस पे आना कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो अगर हम बात करें सल्फेट्स की, द सल्फेट्स बिकम लेस सॉल्युबल एज वी गो डाउन द ग्रुप। बेरियम का, ब्रिलियम का सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स आर फेयरली वाटर सॉल्युबल,
कैल्शियम सल्फेट जो है वो आपके पास सफिशेंटली सॉल्यूबल इन द वाटर, वाइल द स्ट्रोंशियम और बेरियम सल्फेट्स जो है वो ऑलमोस्ट उल्टा केस है इनका, इनसॉल्यूबल हो जाते हैं। मतलब हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ती है, जो सल्फेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी रिवर्स बैक होती है। ऐसा क्यों होता है हम ये नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा ट्रेंडिंग जस्ट टू नो व्हाट्स हैपनिंग, हमारे पास कोई रीज़न नहीं है इसके ट्रेंड की, जस्ट हम उसके अंदर एक ट्रेंड सेट करें कि ओवरऑल हो क्या रहा है, नेचर ने ऐसा रखा है तो उसकी कोई रीज़न हो सकती है मुमकिन है कि जो हमारी समझ में आ जाए, लेकिन राइट नाउ हम उसका जस्ट एक ट्रेंड थॉरली पढ़ रहे हैं कि ये लोग या इस तरह के ग्रुप के एलिमेंट्स या इसके जो बाकी मेम्बर्स होते हैं वो इस नौत के होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स टेंड टू बिकम लेस सॉल्युबल एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द इनसॉल्युबल इन द वाटर, देयरफॉर अगर एज अ सॉलिड रॉक मिनरल या नेचुरल तौर पर आपने अगर देखा भी होगा तो जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट देख लें, आप मैग्नीशियम का कार्बोनेट देख रहे हैं, इसके बाद इनके बाई कार्बोनेट्स भी बनते हैं, ठीक है ना। तो वो भी हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे कि उसने यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखें तो वो कह रहा है कि कार्बोनेट्स आर द इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये कार्बोनेट है आपके पास, ये डायरेक्टली वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, तो इसलिए कि क्या होगा ये सॉलिड रॉक की शक्ल में मिनरल्स की फॉर्म में रह रहता है। ताहम यानी क्या होता है कि व्हेन दे डिसॉल्व इन द वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाई कार्बोनेट, यानी अगर कोई आपके पास जैसे आप सोडा वाटर की कोई बॉटल ले लें और उसके अंदर अगर आप डिसॉल्व करना शुरू करें जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो ऐसे वाटर के साथ वो क्या बना देगा, बाई कार्बोनेट बनाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि इनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। तो अभी तक जो हमने ट्रेंड सेट किया वो क्या किया, अभी तक जो हमने ट्रेंड सेट किया वो तीन चीज़ें थी आपके पास। जो पहला था दैट वाज द हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने कहा कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर हमने कहा कि ब्रिलियम और मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड का केस था। फिर हमने पढ़ा इसी के साथ ब्रिलियम के सॉरी मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड को कि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाया के लिए यूज़ होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सस्पेंशन। इसी तरह अगर इससे अगले स्टेप पे अगर हम जाएं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के सस्पेंशन के साथ हमने कहा कि जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है वो जो है आपके पास लाइम वाटर बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि एसिडिटी ऑफ साइल को डिक्रीज़ करता है, और ये क्या करता है एसिडिटी ऑफ स्टमक को डिक्रीज करता है, एसिडिटी ट्रीटमेंट सिंपल में लिख रहा हूँ। तो ये हाइड्रोक्साइड हो गया। अगर इसके साथ मैं दूसरा ट्रेंड देखूँ तो आपके पास था सल्फेट्स, सल्फेट्स के अंदर हमने क्या कहा डाउन द ग्रुप क्या करते हैं ये इनसॉल्युबल होते जाते हैं, या दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूँ कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है डिक्रीज होती है। बात समझ आ गई। और थर्ड लेवल पे अगर मैं आऊँ तो कार्बोनेट्स की बात आ जाती है, कार्बोनेट्स जो होते हैं ये डाउन द ग्रुप अगर आते हैं तो इनका पैटर्न बिल्कुल सिमिलर टू सल्फेट है, याद रहेगा यहाँ पर कि जैसे जैसे सल्फेट्स जो है वो मतलब डाउन द ग्रुप सॉल्युबल लेस हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उसी पैटर्न पे आपके पास कार्बोनेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेटेड वाटर ले लेते हैं, हल्का सा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है, तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है बाई कार्बोनेट बनाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड कर देता है, यानी प्रोसीड हो जाता होता है रिएक्शन, राइट। ओके, तो हम ज़रा नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास जो चीज़ नेक्स्ट आ रही है वो क्या है, द ट्रेंड्स इन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स, राइट। कार्बोनेट्स आपको पता है जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट है, ब्रिलियम का कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का, ब्रिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, और इन्हीं के नाइट्रेट्स, यानी अगर आप इनको हीट करते हैं तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ते होते हैं हम ये देखते हैं। ज़रा इस चीज़ को आपने गौर से समझना है क्या कह रहा है ये। अब हम देख रहे हैं कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स,
तो नाइट्रेट्स में जाने से पहले हम कार्बोनेट्स को देखते हैं। जो कार्बोनेट्स होंगे ना वो क्या होगा, MCO3 इसका फार्मूला होगा। एम होगी कोई भी मेटल जो कि ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम कोई भी हो सकता है, बेरियम और रेडियम भी हो सकती है, राइट। अब इन सारी मेटल्स की रिप्लेसमेंट कार्बोनेट से कैसे होती है, एम के ऊपर होता है +2 चार्ज, कार्बोनेट जो होता है ये -2 के साथ होता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेने के बाद न्यूट्रलिटी की फॉर्म में MCO3 बना लेते हैं। ये चीज़ हमें एक पता रहेगी। जो दूसरी चीज़ है इनकी थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि आप इनके ऊपर हीट अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करने के बाद ये प्रोडक्ट्स में क्या बनाते हैं। मोर ओवर एक चीज़ ये, दूसरा ये हम देखेंगे कि इधर ये कितनी हीट को बर्दाश्त करके स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी को भी हम चेक कर रहे हैं और इनके प्रोडक्ट्स भी हम हीटिंग के दौरान क्या आते हैं वो भी हम नज़रसानी करेंगे। तो यहाँ पे जो लिख रहा है, द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द ग्रुप टू कार्बोनेट्स, ऑल द कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग एट द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मतलब है कि जब आप कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल आती है और उसके अलावा सिंपल उनका ऑक्साइड बनता है। द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स ऑफ दीज मेटल्स इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, दे आर इलस्ट्रेटेड बाय द वैल्यूज ऑफ द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ दीज कार्बोनेट्स। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, इतने जल्दी से ब्रेक नहीं होते। देखें ब्रिलियम का जो कार्बोनेट है वो 25 डिग्री पे डिकम्पोज हो रहा है, मैग्नीशियम का 540 पे हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का 900 पे, स्ट्रॉन्शियम का जी 1212 पे हो रहा है, 1290 पे, और इसी तरह बेरियम का कार्बोनेट 1360 पे हो रहा है। तो ये सारे जितने भी मतलब हम कार्बोनेट्स के ट्रेंड्स देख रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो आपको क्लियरली पता लग रहा है कि हर डाउन द ग्रुप आने वाला कार्बोनेट जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है या डिकम्पोजिशन पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता जाता है, इनके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप फोर्सेज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। रीज़न क्या है अब उसकी, वो कहते हैं कैटाइन ऑफ द ग्रुप टू एलिमेंट्स हैव स्मॉलर साइजेस, ग्रुप टू के कैटाइन का साइज स्मॉलर होता है, एंड ग्रेटर चार्ज, यानी इसके वजूद के हिसाब से इसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटीज एंड चार्ज डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ होती है इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जो डेंसिटी होती है ना वो आपके पास रो से रिप्रेजेंट होती होता है, वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जब हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो चार्ज डेंसिटी इज़ बेसिकली चार्ज बाय वॉल्यूम। अब एक ऐसा मेंबर जिसका जो चार्ज है वो +2 है और वॉल्यूम उसका बिल्कुल थोड़ा सा है यानी 1 है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी 2 आ रही है, राइट। एक और है जिसका चार्ज +2 है लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा सा है, तो उसकी तो डेंसिटी छोटी हो जाएगी। तो चार्ज डेंसिटी जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ इतना बड़ा नहीं है। वो कह रहा है ये इनका साइज़ जो होता है वो छोटा होने की वजह से, हैव स्मॉलर साइज़ होने की वजह से और ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, इसकी वजह से इनका ओवरऑल जो चार्ज डेंसिटी बन जाती है ना वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इनके कैटायन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। द कैटायन ऑफ स्मॉल साइज़ जो होता है और हाई चार्ज डेंसिटी जब इन पे होती है तो उनकी ग्रेटर एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट, उनको उनके अंदर इस चीज़ की काबिलियत ज़्यादा होती है कि वो डिस्टॉर्ट कर देगा किसको, यानी पोलराइज कर देगा कार्बोनेट आयंस को। इसलिए कार्बोनेट के साथ वो क्या हो जाता है, मजबूती से चिपक जाता है, एंड फैसिलिटेट टू द यानी कि फैसिलिटेट इट्स डिकम्पोजिशन, दस कार्बोनेट्स ऑफ द ग्रुप 1 आर मोर स्टेबल देन ग्रुप ऑफ द 2। आपसे वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ सकता है, इस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा एक एलाबोरेट कर दूँ। ठीक है, हमने अभी जो ट्रेंड सेट किया है वो ये है कि टॉप टू बॉटम जब कार्बोनेट्स को सिर्फ पढ़ते हैं आप, कार्बोनेट्स जो है ये इनका टेम्परेचर जो है वो इनक्रीज़ करता जाता है डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। लेकिन सिर्फ ग्रुप टू के कंपेयर करें, लाइक बेरियम से लेके अगर आप बेरियम तक आएंगे तो बेरियम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये हमने उनकी वैल्यू से भी देख लिया। इसके बाद उसने कहा कि अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं अगर इनको कंपेयर आप करें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, वो कह रहा है उनकी स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है,
कि इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जो यानी कि लेफ्ट टू राइट साइज़ आपके पास कम होता है ना, ये लार्ज साइज़ होता है। सिर्फ ब्रिलियम सॉरी फर्स्ट ग्रुप की मेटल की बात कर रहा हूँ, मेटल के कैटाइन की। और ये ग्रुप टू के जो कैटाइन्स होते हैं इनका साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाता है पहले से। तो इनका जब आपस में कंपेयर किया जाता है तो स्मॉल साइज़ वाले जो हैं वो स्ट्रॉन्ग चार्ज रखने की वजह से दूसरे को डिस्टॉर्ट करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं तो वो जल्दी से बॉन्ड को ब्रेक करवा देता है। बात समझ आई? यानी उनकी स्टेबिलिटी फिर इसलिए फर्स्ट की निस्बत कम है। आइडिया हो गया कुछ? यस ओके, तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि बच्चे इनके साथ क्या हुआ है। क्लियर हो गया ये ट्रेंड? हेलो नूर, बच्चे मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि आपको कार्बोनेट्स का क्या ट्रेंड है, इसका हीट का इफेक्ट क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उनके ऑक्साइड्स बनाएंगे, और यस हाँ जी, और ये कार्बन जो कार्बोनेट्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप ज़्यादा होती है। मतलब क्या है कि इनको डिकम्पोज करने के लिए आपको नीचे नीचे चलते जाएंगे तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, लेकिन ग्रुप टू और ग्रुप वन का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो ये लेस स्टेबल होते हैं, ग्रुप वन वाले मोर स्टेबल होते हैं। ये कंक्लूजन था हमारा, ठीक है? सर ओके, हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। अगर तो हमने दो चीज़ों की स्टेबिलिटी पढ़नी थी, दूसरा था नाइट्रेट्स, राइट, जिनके अंदर NO3 ग्रुप होता है। अब जो नाइट्रेट्स होते हैं वो कैसे ग्रुप्स होते हैं? नाइट्रेट्स बच्चे याद रहे कि आपके पास मेटल M के साथ +2 होता है, जो नाइट्रेट होता है NO3 का -1 होता है। जो नाइट्रेट का NO3 -1 है ये 2 इसके नीचे आ जाता है और ये इसके नीचे, तो आपके पास M नॉर्मल आ जाता है और NO3 का ट्वाइस हम लिख लेते हैं। यानी ब्रिलियम अगर होगा तो ब्रिलियम का NO3 का ट्वाइस आ जाएगा, मैग्नीशियम होगा तो उसका भी NO3 का ट्वाइस आ जाएगा, और ये पैटर्न चलता जाएगा। इस तरह से नाइट्रेट्स बन जाते हैं। फिर जब नाइट्रेट्स आपके पास आ गए तो हम इनको थर्मली डिकम्पोज करना चाहते हैं, लाइक वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ द हीटिंग एनर्जी। उनकी मॉलिकुलर वाइब्रेशन ज़्यादा होती है और ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं या नहीं होते, हम इसको देखते हैं। ऑल दी नाइट्रेट्स इन दिस ग्रुप अंडरगो द थर्मल डिकम्पोजिशन। जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट करने पर टूटते हैं और ये भी मेटल ऑक्साइड देते हैं। क्या सिमिलैरिटी है बोथ में? दूसरे वाले दे रहे थे आपके पास, एक चीज़ को कंपेयर करवा देता हूँ, ये ब्रेक होंगे ना, ये देंगे आपके पास मेटल है उसका ऑक्साइड देंगे प्लस NO2 देंगे और प्लस साथ में O2 भी रिलीज करेंगे। जो कार्बोनेट थे ना MCO3, वो आपके पास एक मेटल का ऑक्साइड देते हैं प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यहाँ पे चूंकि कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड गई, यहाँ पे आपके पास नाइट्रेट है देयरफॉर दे हैव रिलीज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक एक्सेस में जो चीज़ आई है यहाँ पे वो ऑक्सीजन है। बात समझ में आ गई? यस ओके, तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम का नाइट्रेट है, Mg और NO2 साथ में बन रहा है, इसी तरह बेरियम का भी है। आगे वो लिख रहा है कि नाइट्रेट्स आर द वाइट सॉलिड्स एंड द ऑक्साइड्स प्रोड्यूस आर ऑल्सो वाइट सॉलिड्स। जो नाइट्रेट होता है वो भी वाइट इन कलर होता है, जो ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो भी वाइट सॉलिड ही होता है, ठीक है? और इसके बाद जो ब्राउन कलर की आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, कौन से वाली, ये कलर जो गैस पड़ी हुई है ये ब्राउनिश होती है, इज़ गिवन ऑफ टुगेदर विद द ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन और ये दोनों चीज़ें एक साथ आपके पास प्रोड्यूस हो जाती हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम नाइट्रेट्स हैव नॉर्मली हैव वाटर क्रिस्टलाइजेशन। यानी वाटर क्रिस्टलाइजेशन से क्या मुराद है, जब ये चीज़ ब्रेक डाउन होंगे तो इनके अंदर वाटर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स भी उस सॉलिड के अंदर फंस जाएंगे, एंड सॉलिड में डिजॉल्व इन इट्स ओन वाटर। और वो जो सालन सॉलिड के अंदर अपना पानी होता है वो उसी के अंदर फिर डिजॉल्व हो जाता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो उसका होता है उसके अंदर, टू मेक द कलरलेस सोल्यूशन। फिर उसको वो कलरलेस सोल्यूशन से बना देता है जो कि यानी कि बाद में डिकम्पोज होने से पहले ही डिजॉल्व हो जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी जो जनरल ट्रेंड है वो भी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। मतलब
अगर जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो ब्रिलियम का नाइट्रेट आप देखें, मैग्नीशियम का नाइट्रेट देखें, और डीसी चलते हैं इसी तरह, तो नीचे वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बात समझ आ गई है जहाँ तक? यस सर।